गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक कवर करेंगे चार्जिंग बैरियर। देखिए क्या होता है चार्जिंग बैरियर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। और चार्जिंग का मतलब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर। देखिए एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जब दूसरी बॉडी में जाता है तो क्या क्या मेथड है उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने का। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ चार्जिंग बैरियर, या इसको ये भी कह सकते हैं चार्जिंग बैरियर फ्रिक्शन। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, बड़े क्लियर है, बड़े इजी डेफिनेशन है। जैसे कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी, या फिर ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय रबिंग। देखिए जब किसी बॉडी को जब आपस में रब किया जाता है तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जब दूसरी बॉडी में चले जाते हैं रब करने पर, तो उसे कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, दो बॉडी ली हमने, जैसे मान लीजिए एक बॉडी आपके पास है और एक बॉडी है, दोनों बॉडी को आपने रब किया। जैसे इसको रब किया तो मान लीजिए इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी में ट्रांसफर हो गए, तो यही तो क्या लगता है आपको चार्जिंग बाय रबिंग। लेकिन देखिए आपने जब इसको रब किया तब ये ऐसा हुआ, चार्जिंग बाय रबिंग इसे कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में, ध्यान से देखिए आपके पास बॉडी ए है और एक बॉडी बी, बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी बी में ट्रांसफर हो गए, देख रहे हो बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी बी में ट्रांसफर। आप देखिए ना बॉडी ए जो है आपके पास उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो बॉडी ए के पास पॉजिटिव चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई। अब जो बॉडी बी थी उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से इस बी बॉडी पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए बॉडी ए भी चार्ज हो गई, बॉडी बी भी चार्ज हो गई, तो हमने इस मेथड से बॉडी को चार्ज कर दिया, इसलिए ये बोला जाता है चार्जिंग बाय रबिंग। यानी रबिंग करके दो बॉडी को रब करके हमने बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बी, हम इस एग्जांपल में बोल रहे हैं कि बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में ट्रांसफर, भाई ऐसा भी हो सकता था कि बॉडी बी के इलेक्ट्रॉन बॉडी ए में भी ट्रांसफर हो सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो इसी का आंसर पाने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बड़ा छोटा सा टॉपिक है वर्क फंक्शन। देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है, याद रहे वर्क फंक्शन एक एनर्जी है। जैसे मान लीजिए कुछ की चीज के पास एक बॉडी है, इस बॉडी में आप ध्यान से देखिए इस बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहा, तो इस बॉडी को हमने मिनिमम एनर्जी दी, कुछ एनर्जी दी इसको, चाहे हीट करके या बाहर से, जैसे इसको हमने एनर्जी दी। जैसे ही हम इसको एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी से फ्री हो गया और बाहर चला गया, इससे निकल गया। तो इसका मतलब जो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड की और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी से फ्री हो गया। तो एक्चुअल में वर्क फंक्शन हुआ क्या, एक्चुअल में वर्क फंक्शन क्या हुआ, तो बोल सकते हैं द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को कहते हैं वर्क फंक्शन, उसी को क्या कहते हैं वर्क। तो क्लियर हुआ आपको वर्क फंक्शन क्या होता है, आप इसको आप एक एग्जांपल से और समझिएगा आगे आपको पता लगेगा। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है आपने कि डिफरेंट मटेरियल के पास डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है, हर बॉडी के पास अपना वर्क फंक्शन अलग होता है, ऐसा नहीं है सभी बॉडी का वर्क फंक्शन सेम होता है। अगर एक कॉपर की मेटल ले, मान लीजिए हम कोई अदर मेटल ले, तो उन सभी का वर्क फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट सभी का वर्क फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल में देखिए आपके पास एक बॉडी ए है एक बॉडी बी, अभी भी हमने कहा था कि बॉडी ए और बॉडी बी या कोई भी बॉडी है डिफरेंट बॉडी का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। तो हमने मान लिया जो बॉडी ए आपकी, जो बॉडी आपकी ए है उस बॉडी का वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो बॉडी बी है उसका वर्क फंक्शन हमने क्या कंसिडर कर लिया, मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वर्क फंक्शन की क्या है, यूनिट है। वैसे तो हम एनर्जी की यूनिट जूल लेते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में जो वर्क फंक्शन होता है उसकी यूनिट लेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो जो वर्क फंक्शन में हमने बॉडी ए का वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया और हमने बॉडी बी का जो वर्क फंक्शन है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए जो बॉडी ए का जो वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मीनिंग ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को फ्री होना है, अगर बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी
इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी मिलते ही ये बंद हो जाएगा। और जो बॉडी बी है उसका वर्क फंक्शन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब इस बी बॉडी को हमें 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन इससे बंद हो जाए। अब हमने क्या किया, इन दो बॉडी को आपस में रब कर दिया। जैसे ही रब किया तो व्हाट हैपन, देखो जैसे ही रब किया, रब करने से हीट पैदा हुई, उस हीट से मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। कितनी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब आप ध्यान से समझिएगा, अभी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ये बॉडी ए को भी मिलेगी और बॉडी बी को भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है किसका, बॉडी ए का, उससे ज्यादा है। इसका मतलब बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन इजिली से बॉडी ए से निकल के बॉडी बी में जा सकते हैं। अब बॉडी बी के इलेक्ट्रॉन बॉडी ए में नहीं आ सकते क्योंकि इसका वर्क फंक्शन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, इसको मिनिमम 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ही रबिंग करने पर हीट पैदा हुई, एनर्जी जो उससे मिली 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए आपने यहाँ पे देखा कि जो रब करते हैं और रबिंग से जो हीटिंग हीट पैदा होती है उससे जो एनर्जी मिलती है उससे इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का कारण है कि जो हीट पैदा हुई वो हीट जो है बॉडी ए के वर्क फंक्शन से ज्यादा है और बॉडी बी के वर्क फंक्शन से कम, तो इलेक्ट्रॉन आपका ए बॉडी से बी बॉडी में ट्रांसफर। इसका मतलब ये हुआ, आप साफ तौर पर इसमें देख रहे हो बॉडी ए का वर्क फंक्शन कम है और बॉडी बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर बॉडी जो बॉडी का लोअर वर्क फंक्शन होगा और जिस बॉडी का हायर वर्क फंक्शन होगा, तो उसमें होगा क्या, इलेक्ट्रॉन लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन में ट्रांसफर, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बाय रबिंग से अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, लोअर वर्क फंक्शन से हायर। जैसे जस्ट यू हैव एग्जांपल्स, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, हमने पहले भी इसको किया होगा, व्हेन ग्लास रोड रब्ड विद ए सिल्क रोड। देखिए जब किसी सिल्क रोड के साथ रब करते हैं तो व्हाट है, होता क्या है कि ग्लास रोड का, जैसे कि देख रहे हो आप, ग्लास रोड की जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क रोड में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब ग्लास रोड का जो वर्क फंक्शन है वो लोअर, इसके इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो गए सिल्क रोड में, तो इस ग्लास रोड पे आ गया नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। इस ग्लास रोड पे कैसा आ गया, आपके पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अब ग्लास ये जो सिल्क क्लोथ है उसमें ट्रांसफर हो गए, तो सिल्क क्लोथ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अगर क्वेश्चन से पूछा जाए कि सिल्क क्लोथ के इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड में क्यों नहीं गए, तो इसका मतलब यही है जैसा कि वर्क फंक्शन में पड़ा, क्योंकि सिल्क क्लोथ का जो वर्क फंक्शन है वो हायर है किससे, ग्लास रोड से, इस वजह से। तो आज हमने जो सीखा वो है चार्जिंग बाई रबिंग, क्या होता है चार्जिंग रबिंग, और वर्क फंक्शन इसमें बीच में आया, तो वर्क फंक्शन क्या होता है यहाँ पे सर,